होता गुरु बलवान हो चेला पहलवान होता। आज जो है मंगलवार का दिव्य दरबार है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। मौजूद हूँ बागेश्वर धाम में और सामने देख सकते हैं व्यासपीठ पर पूज्य सरकार विराजमान हो चुके हैं और दिव्य दरबार लगाएंगे। आज मंगलवार का पीसी है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत और बहुत ही लगन के साथ बनाया गया है और देख सकते हैं आप लोग व्यासपीठ पर बैठ चुके हैं और सभी की अर्जी यहाँ पर लगाएंगे गुरुदेव भगवान। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। भारत भूमि की, सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने मताई बाप की, बागेश्वर धाम की, पगलन की, हर हर हर। अरे साधु जी, ओ पागलो, क्या हाल है? बढ़िया हो, रहना ही पड़ेगा और अपन कर भी क्या सकते हैं। जिसका गुरु बलवान हो चेला पहलवान होता है। आज मंगलवार का दिव्य दरबार जो बता जो आज चेला कया बीच में लगा था, भंडारों नहीं करवा उन्हें कहा आगे के लगे हैं। अरे तो भाई रुक क्यों, शाम क्यों उतर जाते, भंडारा भी तो होना है, भंडारा चल रहा है, उस तरह अलाउंस करवाओ, एक दिन जाओ उस वाले माइक से अलाउंस करवाओ, सब लोग भंडारा पा कर जाएंगे। सवाल लग रहा हो कि आज गली बंद है, जनाब जय हिंद। खाने के बाद में मरीज देखे, मरीजों के बाद में फिर आश्रम की व्यवस्था देखी, फिर जब जा करके रात को सुबह फ्री है। और आज तो हम गई नहीं है, कल से हम यही डेरा डाले, नहीं तो हर बार आते थे ना, अब आज गई नहीं है, सो आएंगे क्या? कुछ लोग वहाँ खड़े होंगे, गुरुजी जाएंगे दर्शन के लिए, वहाँ खड़े होंगे गुरुजी निकलेंगे, अब गुरुजी वहाँ है ही नहीं है, लो कल लो दर्शन हर गया। अब हमें सुना है कि बेटा बुढ़ापे के कारण हो गया, हमने सुना राम राम। बैठ जाओ, जो खड़े हो बैठ जाओ, आसन ले लो, तनसी दर्द जरूर लग जाए पर क्या हुआ। अरे धूल उड़ा बत गज फिरा तो चित्रकूट में एक हाथी घूम रहा हो। अरे धूल उड़ा बत गज फिरत कह रही कही काज। बोले रहीम जी, यार रजती पत्नी तरी सुई ढूंढत गजराज। अच्छा शोर मचा लो, हल्ला गल्ला बंद करो, बेटा बीच में ना बोलिए, नहीं तो अब इधर पढ़ो जिंदगी भर, मैं जिंदगी भर में डर पाऊंगा। आज जो है मंगलवार का दिव्य दरबार है। भगवान बागेश्वर बालाजी सन्यासी बाबा विराजमान है सम्मुख में, सामने में श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज का प्रकट उत्सव स्थली है यह। जितने भी लोग आज मंगलवार के दरबार में बैठे हैं, जाओ, आप सबको खूब खूब आशीर्वाद है। आपकी सब अलाय बलाय दूर हो जाए और जो जो मनोकामना लेकर आए हो जाओ। जज होते हैं अदालत में और क्या होता है, अरे भाई दरवाजे पे एक सफेद कपड़ा पहन टोपी लगाए उड़े हाथ में लाके लिए हुए खड़ा रहता, पुकार लगाता रहता है, फलाने हाजिर हो, वो कौन है? भी हम क्यों, हम बैठे बैठे कहते रहते लाल सेट पीली सेट वाले आ जाओ, अली लग गई। अच्छा आप कौन? केस दायर करने वाले फरियादी।
तांत्रिक गुनिया ओझा तुम्हारा पाल टेबल ही कपाया। तब तक हम जितना है तब तक बात क्या नहीं हमें किसी भी प्रकार का या ओझा तान धामा कर ले, हम बड़े बड़ी का नाम लेकर के उसके सब पीढ़ियों की खानदान की छतरी बार देंगे। केवल उसकी ही नहीं, एक भारत में सनातन धर्म के संतों को छोड़कर पूरी दुनिया के जितने भी मजहब हैं हलीउल्लाह वाले वाले हम लोगों भी कहने लगे कि कहते हैं कि तुम्हारे जितने भी पीर हो आए हमारे साथ, हाँ पीर है हमारे सामने आएंगे हम नंगा कर देंगे, हाँ हम पीला कर देंगे, ये हम अपने बल पर मिले, ये हमारे हमारे पास तो कोई ताकत नहीं, हमारा गुरुदेव भरत हस्त और वीर बजरंग बली का हाथ है और केवल और केवल इसलिए है कि भारत में सनातन धर्म का जीव बन जाए, भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए, तुम लोगों को किसी दर दर दरबारों में ना भटकना पड़े और हमारे चक्कर में ना पड़ पड़े, जन्म जन्म के आप लोग हनुमान जी के हो जाओ, इसलिए हनुमान जी की यह कृपा है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो रखो, चिंता मत करो, नाचे रोग है सब जपत निरंतर। हनुमान जी महाराज समस्त लोगों का बाधाओं का हरण करने वाले वीर बजरंग बली है और तुम जिस दरबार में बैठे हुए हो सामने वही स्थल है जहाँ वीर बजरंग बली प्रकट हुए थे। आज से 322 साल पहले जहाँ प्रकट हुए आप सब नियम पूर्वक विधि पूर्वक पालन करो, खूब नाम जप करो और पेश करो, नियम ना छोड़ो। अभी तो हमने बहुत अच्छा नियम कर दिया, प्रतिदिन जब धाम पे रहे थे अब तो रोज बागेश्वर धाम दरबार लगा रहे हैं। कई लोग प्रतिदिन अजिया लग रहे हैं, कई लोग जो शिकायत करते थे गुरु जी हमें मिलते नहीं हो, वो भी शिकायत बन गए, अब रोज बैठते हैं रोज मिलते हैं, अब हनुमान जी ऊपर है, अब तुम्हारी ना हनुमान जी सुने तो हम प्राण दे दें क्या। अच्छा एक और, कपड़ा ज्यादा खराब हो जाए दाग मोटा लग जाए कई बार भूल जाता है, बोलो एक बार में कपड़े का दाग नहीं भूल सकता तो कपड़ों का दाग कहाँ से एक बार में भूल जाएगा, खतरी के बारे ना कथा, इसके लिए भी तो टाइम लगेगा, बोलो तो जितना गहरा दाग उतनी बार धुलाई मांगता है कपड़ा, हाँ जी या ना जी। उसी प्रकार जितने ज्यादा विचलितियों वाला संकट होगा उतनी ही ज्यादा पेशी करनी पड़ेगी, लेकिन आप करोगे नियम रूप आलाजी की कृपा भी हो जाएगी। जय जयकार। बोलो सीताराम। आज मगर आज वाणी से भीतर लोग जो है सीताराम, आज मंगलवार पुरानी पेशी के नंबर बैठे, आज बहुत ज्यादा नंबर है बता रहे, 200 ऊपर नंबर है, हमें सबको मिलना है और पुरानी पेशी मतलब जिनका पर्चा बना तो आप भी पेशी वाली हो है, हम आज लगाएंगे रहे और मन में राम नाम का जप कर लो और प्रेसराज सरकार का दरबार शाम की टाइम लगाएंगे, पिछली बार पर कहीं जाना था आज कहीं नहीं जाना है। अब हम लगातार दरबार से बहुत ज्यादा समय है तो कल दरबार तो लगाएंगे पर कल दिन में खूब बड़ा सोएंगे, तो 5 बजे दरबार देखो लगाए साफ कहना खुश रहेगा, तो दिन में आके बैठ जाओ 10 बजे से ओ गुरु जी कमाओगा तुम तो एक दिन जग लोगे ऐसे तो 365 दिन निकल रहे मशीन जैसे, हम बाकर कूलर थोड़ी के चार्ज में लगा दें, आबादी को लगो हमारा घोड़ा हो आप सुन जा जब आप खट बोल रहे हैं, लेकिन हमारा प्रश्न जब तक हमारे तन में मान रहेंगे तब तक हम मान होकर मानव के काम आएंगे। पुरानी पेशी काम करने के पहले यहाँ से बच्चों यहाँ सेवादार कौन है जो गंभीर मरीज हैं, एक तो ये कैंसर वाले हैं और बच्चा जो चल नहीं पाता वो माता जी लेकर के आए, इनको भी मिलवाना है झलकवाना है, एक इनको सबको लेने लगे और अंदर भी कुछ लोग हैं आंगली जी में जो गंभीर मरीज हैं उनको भी यहाँ लेकर हम उनको भी एक मिनट। अब हमने रोज का एक और नियम कर दिया, जो गंभीर मरीज हैं उन्हें उनको रोज हम जो है मिल के उनका समाधान करके उनको एक ही दिन में फ्री कर देते हैं। खत्म। हाँ टाइम जरूर लगता है भैया, ए छोड़ो एक भूत आए तुम्हें तुम्हें क्या लेना है, माँ भूत हमको
तो बेटा यार काहे खाते हैं बेटा बेटा यार मैं वही देखेंगे अपनों को मार लूँ भारत हिंदू राष्ट्र की जय हो पागलो आशीर्वाद पहला होता हाँ ओ जगत जननी माता भगवती देवी माता विराजमान हो जाओ आशा ग्रहण करो जय काली माता चामुंडा माता चंडी माता वैष्णो देवी माता माता जी प्रसाद ले आओ तो प्रसाद ले लीजिए। अच्छा एक बात और बताओ आप लोग एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का जोर से बोलो प्रत्येक का पक्का जोर से बोलो पक्का अच्छा प्रत्येक समस्या का समाधान कौन कौन चाहता हाथ उठाओ ठीक हाथ खड़े रह लेना हमारी तीन बातें हैं पूछो क्या क्या जोर से पूछो अच्छा बता रहे कभी मिला पहली सर आज से हमारे चक में ना पड़ना हम मूर्ख हैं नालायक हैं हमें जुड़ना ही है हमसे क्या जुड़ा हम तो इंसान हैं आपको जुड़ना ही है उनसे जुड़ो जिनके घर पर हम धर्म विधियों को ललकारते हैं जिनके घर पर हम तुम्हारे पर्चा बना देते हैं और तुम्हारे जीवन के रास्ता खोल देते हैं तुम्हें जुड़ना ही है ऐसे सन्यासी बाबा और बागेश्वर बाला जी से दूसरी शर्त पूछो क्या दूसरी शर्त है लहसुन और मांस मंदरा बंद करके महीने में एक आपी करना प्रारंभ कर दे ठीक तीसरी भटकना बंद कर हमारा मन दर दर दरबार भटकना एक चरणों में जुड़ करके जाकर के बालाजी के सामने हनुमान जी के सामने सन्यासी बाबा के सामने जाकर कहे दो बहुत हो गया हमने बहुत भटक लिया अब हमारी बहुत हंसी भी उड़ गई बहुत खिल्ली भी उड़ा रहे और बहुत नाम बदनाम भी उड़ा आज से तुम्हारे और हम तुम्हारे ठीक है ये तीनों शर्त कौन कौन तैयार है मानने पक्का पक्का जोर से बोला पक्का पक्का जाओ हम भी वचन देते हैं आज तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है आज तक तुम्हारी समस्या हमारे बागेश्वर बालाजी की है जाओ अब हम तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे चाहे जो जाए मुस्कुराते हुए तुम नियम पालन करो और जब जब विपत्ति आएगी तुम कहोगे गुरु जी अब पर्चा कैसे बनेगा पर्चा भी बनेगा ये भी पक्का वचन है हमारा हाँ देर लगी आज नहीं कल नहीं अगली बार दरबार लगना कब है आएंगे दरबार लगेगा आप जो है उसमें अपनी अंगी लगवा सकते हो अंगी पेशी कब होनी है बीच में भाई हम लोग पागल हैं हम लोग पागल हैं क्या हम लोग पागल हैं बैठे अरे बात की बात पिताजी नहीं मिला पूछो क्या बोल रहे हैं महाराज सीताराम सदू जी अगला अगला नियम और बता दें अभी यहाँ मध्य प्रदेश में है चुनाव 17 तारीख को यहाँ वोट हैं कुछ लोग तो मध्य प्रदेश के होंगे को है अपने एमपी एमपी हम पत्रों में भेजे साधु को गिराने के 3 रास्ता होते हैं एक गंदी राजनीति दूसरा ब्लैक मनी रुपया तीसरा लुगाइयां कितना भी बड़ा साधु हो जमीन में रह जाता है 17 तारीख को है चुनाव अपने राम बाबा जी में फंसे नहीं है बैठे अपन तो अगर पराए घर बोल रहे दोनों पत्रों में फंसे इसलिए हम चुनाव की ट्रेन पे भैया यहाँ रहेंगे नहीं तो 5-6 दिन के लिए 13 तारीख को 12 तारीख को दीपावली करेंगे दिया जलाएंगे 5-6 दिन के लिए हम गायब हो जाएंगे 20 तारीख तक ताकि चुनाव हो जाए बढ़िया से बोर्डर जाए जॉन नेता जी यहाँ बनने हो सो भी बन जाए फिर आ जाएंगे 26 तारीख को
वहाँ।